गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं अगला क्लास जिसमें हम देखेंगे, कल का क्लास मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कल हमने लेग्यूमिनेसी और जो हमारा फैमिली था उसको हमको कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया था, उसको शॉर्ट वीडियो में 10 मिनट्स के वीडियो में अलग कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी का पहला स्पेशल सब फाइलम जिसका नाम है पिपलियोनेसी। तो स्पेशल जो हमारा है पिपलियोनेसी फैमिली क्या कहता है इसके बारे में आज इस फिगर, मतलब ये गॉर्डन पी है, गॉर्डन पे की फिगर से हम कंप्लीट कर लेंगे स्पेशल उस फैमिली को, या कह लें सब फैमिली को। तो आइए चलते हैं अपने नए क्लास के तरफ और आज डील करते हैं स्पेशल पिपलियोनेसी को, जो लेग्यूमिनेसी का एक सब फाइलम के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो इनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो 482 जेनरा प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली में। क्या 482 जेनरा प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली में। उसके साथ साथ लगभग इसमें 7200 स्पीसीज हैं, मतलब 7200 स्पीसीज के साथ साथ ये एक ट्रॉपिकल रीजन्स को कंप्लीट करते हैं और ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स को भी कंप्लीट करते हैं। ये किसके, ये लगभग जो 1973 में एक रिसर्च आया था उसके बेसिस पे जो हमारे विलिस थे उन्होंने कंप्लीट किया था। अब यदि ये हो गया, आगे बात करते हैं, यदि हम बात करें इनके क्लासिफिकेशंस की, तो क्लासिफिकेशन में ये देखना चाहेंगे कि जो ब्रथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, ब्रथम और हुकर के यदि हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये पॉलीपेटलस होते हैं, ठीक, ये कैल्सीफ्लोरी होते हैं और इसके साथ ये लेग्यूमिनेसी होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस का मतलब इसमें पॉलीपेटलस होंगे, पॉलीपेटल्स होंगे, उसके साथ ये कैल्सीफ्लोरी होंगे, कैल्सीफ्लोरी के बाद ये लेग्यूमिनेसी होंगे। तो लेग्यूमिनेसी की बात कर रहा है तो ये तीनों इसके स्पेशल क्लासिफिकेशन रहे हैं किसके अनुसार, ब्रथम और हुकर के अनुसार। ये देखो हुआ, पहला हमने बात किया इंट्रोडक्शन का, स्पेशल आप याद रखेंगे कितना, जनरा है लगभग 482। मतलब यदि हम जनरा की बात करें तो आप इधर कहीं पॉइंट्स करके लिख लीजिए स्टूडेंट, इसी जगह हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक, इसका लगभग इतना जनरा होगा। और यदि स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक, इतने स्पीसीज और इतने जनरा प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली में, ठीक। तो आगे इंट्रोडक्शंस भी हो गए, आगे हमने क्लासिफिकेशन भी कर दिया, ब्रथम और हुकर के अनुसार पॉलीपेटलस, कैल्सीफ्लोरी और लेग्यूमिनेसी, ये आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर्स के, क्योंकि इसके फीचर्स ही हमसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि इसके स्पेशल फीचर क्या हैं और कैसे हम फीचर्स को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, आप अगला हेडिंग कंप्लीट करिएगा यहाँ से, पेपलियोनेसी फैमिली, ठीक, पेपलियोनेसी फैमिली का स्पेशल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, या कह लें कि स्पेशल इनके डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात कर लें कि अलग ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनमें सही तरीके से कंप्लीट हमको किया जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हैबिट्स के बारे में, जैसा कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक स्लाइड दिख रहा हूँ, सारे स्लाइड्स को आप पहले शॉर्ट डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक, स्लाइड को पहले शॉर्ट डिस्कशन करिए, मैं स्लाइड जैसे शॉर्ट डिस्कशन हो जाएगा आप स्लाइड को हटा लीजिए, उसके बाद क्या करिए इस फिगर का पहले शॉर्ट डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे इस फिगर में कुछ इधर उधर करेंगे तो पॉइंट्स को समझने के लिए तो कुछ हो सकता है कि फिगर पहले से मिस्टेक हो, तो आप पहले से इस फिगर को शॉर्ट स्क्रीन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको रफली ड्रा करने में हेल्प मिलेगा अपने नोटबुक या रफ पेपर पे। ओके स्टूडेंट, तो शॉर्ट स्क्रीन कंप्लीट हो गया होगा। तो चलते हैं सबसे पहले हैबिट्स की बात करेंगे स्टूडेंट की, ये जो हमारा फैमिली है उसके जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हैबिट्स के बेसिस पे, यानी उसका नेचर्स कैसे होते हैं, प्राकृतिक कैसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं जब इस गॉर्डन पी की बात करेंगे तो ये हर्ब और सर्व होते हैं, मतलब इस फैमिली में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स स्पेशली होंगे वो हर्बेसियस होंगे, मतलब हर्ब होंगे और सर्व टाइप्स के होंगे। और इसके साथ कभी कभी इनमें ट्री भी देखा जाता है, मतलब एक दो चार प्लांट्स ऐसे आ जाते हैं, मतलब क्योंकि स्पीसीज के नंबर ज़्यादा है, लगभग 7200 स्पीसीज जब पाए जा रहे हैं, ठीक, और चीफली हैं और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल को कंप्लीट करते हैं। तो इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसके प्लांट्स हर्ब और सर्व के साथ साथ कभी ट्री भी देखे जाते हैं, ठीक। वही हम बात करें इसके रूट सेक्शन की कि इसका रूट सेक्शन कैसा होगा, इसके रूट सेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट तो इसके रूट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि इनके रूट ट्रैप होते हैं, क्या होते हैं,
ट्रैप होते हैं, ट्रैप के साथ साथ ब्रांचेज होते हैं, और उसी ब्रांचेज में स्पेशल रूट गेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? रूट गेन्यूल्स या रूट नेड्यूल्स कह सकते हो। रूट नेड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का वर्क करता है। ये चीज़ आपको लगातार माइंड में याद रखना चाहिए कि यही एक ऐसी फैमिली है। पिपलियोनेसी की बात करें, लेग्यूमिनेसी की भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिपलियोनेसी फैमिली में हम ये देखेंगे कि जो इसका स्पेशल रूट होंगे वो ट्रैप रूट के साथ साथ ब्रांचेज होंगे, बट ब्रांचेज में ही क्या लगे होंगे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले स्पेशल रूट नेड्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि जैसे नाइट्रोबियम है, अलग ढेर सारे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो इसी रूट पे अपना स्थान दिखाते हैं। ठीक, जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ये स्पेशल होते हैं ना, तो ये स्पेशल इसी जगह पाए जाएंगे। तो आपने रूट देखा क्या होंगे, ट्रैप रूट्स होंगे, और इसमें रूट नेड्यूल्स पाया जाएगा, और ये नेड्यूल्स स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में वर्क करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल राइजोबियम फैमिली के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहीं बात कर ले स्टेम की, स्टूडेंट की स्टेम कैसा है, देखो स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में हम ये देखेंगे जो इनका स्टेम होता है पर्टिकुलर, वो कैसा होता है, हर्बेशियस होता है। कैसा होता है? हर्बेशियस होता है। और स्टेम कभी कभी क्या होता है, हर्बेशियस के साथ साथ एक सिलेट्रिकल दिखाता है, मतलब सिलेट्रिकल के साथ साथ ये जो इनके स्पेशल रूट्स ये स्टेम्स होते हैं वो कभी कभी मॉडिफाई हो जाते हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाई होके टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टेंड्रिल्स की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे टेंड्रिल्स मतलब ये स्टेम का ही एक टाइप्स होते हैं जो आगे चलकर बदल जाते हैं। ये टेंड्रिल्स होते हैं क्या स्टूडेंट? ये टेंड्रिल्स स्पेशल किसी भी प्लांट्स को मतलब प्लांट्स को पकड़ने, मतलब किसी को जैसे ऐसे करें तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को लगा देंगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, इसको मूव करके पकड़ने, मतलब सहारा के लिए पाया जाता है या लगाया जाता है, ऐसा हम देखते हैं। ठीक, यदि और बात करें स्टूडेंट की, ये इनके जो स्टेम होते हैं वो स्पेशल इनमें टैनिन सेक होता है। क्या होता है? टैनिन सेक होता है। टैनिन सेक होते हैं और सिंपल्स होते हैं। ठीक, सिंपल्स के साथ साथ इन पे वन लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब इनके यदि हम आउटर लेयर की बात करें तो यहाँ पे वन लेयर प्रेजेंट होगा। ये सिंपल स्टेम होते हैं, बट इनमें कभी कभी कहीं कहीं क्या होता है, टैनिन सेक भी पाया जाता है। एक बार शायद हम देख रहे थे तो MSc के एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन आए होते कि टैनिन सेक वाली फैमिली है, नीचे ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे आप पिपलियोनेसी को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात कर ले स्टूडेंट लीव्स की, तो इनकी लीव्स कैसी होती है, सिंपल्स होती है। सिंपल्स होने के साथ साथ एक कंटिन्यूटी के साथ कंप्लीट करते हैं, और कभी कभी ये देखा जाता है इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी साइज में इनकी मोटाई, मतलब कह लें कि थिकनेस इनका काफ़ी कम होता है। ठीक, मतलब थिकनेस तो कम होता है, बट इनके आउटर लेयर पे स्पेशल हमारे जो क्या पाए जाते हैं, एक प्रोटीन्स की लेयर्स बनी होती है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, काफ़ी चिकने, मतलब इनके काफ़ी स्मूथनेस काफ़ी कवर होती है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो पाए जाएंगे उनमें क्या होगा, स्पेशल क्यूटिकल्स की लेयर होती है जो कंप्लीट करती है इनके आउटर सरफेस को। और कभी कभी क्या होता है, इनके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो आउटर मतलब कह लें कि एपिकल पोर्शंस हैं, एपिकल पोर्शंस में हमारे ढेर सारे टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या है, ये मॉडिफाई हैं स्पेशल लिप्स के। मैंने पहले बोला कि ये लिप्स के मॉडिफाई एरियाज को कवर करते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट के इनफ्लोरसेंस की, कि इनफ्लोरसेंस में कैसे होते हैं, रेसिम आप पढ़े थे, रेसिम टाइप का मैंने इनफ्लोरसेंस पढ़ाया था, तो रेसिम टाइप्स के इनफ्लोरसेंस को कंप्लीट करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि ये रेसिम के साथ साथ ठीक ये सोलेटरी भी कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं? सोलेटरी भी कंप्लीट करते हैं, वो भी सिंगल्स होते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा कह लो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर्स होता है, और इसके साथ साथ सोलेटरी के साथ साथ ये करते हैं स्टूडेंट कि देखो जैसे ये रूट आगे मतलब ये सॉरी ये फ्लावर बढ़ता जाएगा, ठीक यहाँ से दूसरा फ्लावर, मतलब यदि यहाँ फ्लावर है यहाँ फ्लावर है तो ये वाला फ्लावर ज़्यादा डेवलप नहीं, मतलब ये कह लो कि ओल्ड हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला ओल्ड होगा, फिर ये वाला होगा, मतलब जो एपिकल साइड पे होगा वो न्यूएस्ट होगा, और जो उसके डॉर्सल साइड मतलब ये कह ले बेसिक पॉइंट्स पे होगा वो ओल्ड होगा। मतलब जैसे जैसे फ्लावर इंक्रीज करता जाएगा आगे की ओर, और वैसे पीछे के जो फ्लावर्स होते हैं वो पुराने होते जाएंगे और आगे के नए फ्लावर्स कंप्लीट होते जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि आपका
स्पेशल पेपिलियोनेसी फैमिली में इनफ्लावरसेंस कैसे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आगे बात कर दी फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स आप देख पा रहे होंगे, कहीं हमने फ्लावर्स बनाया है, यहाँ फ्लावर्स हमने देखा है, तो इस फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। ठीक, इस फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स कैसा होगा, अगली हेडिंग आप कवर करिएगा यहाँ से। जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पेशल कैसे पेटल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, पेटल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। जब पेटल्स स्पेशली पेटल्स और सेपल्स के साथ बता रहा है, मतलब सेपल्स और पेटल्स दोनों पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं हम कि पेटल्स और सेपल्स दोनों पाए जा रहे हैं। जब दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करता है स्टूडेंट, तो इनमें ये देखते हैं कि इनका जो स्पेशल पेरिगाय, मतलब इन हम यहाँ पे हम यदि बात करें तो एक चैम्बर, मतलब जो हमारा फीमेल है वो एक चैम्बर में प्रेजेंट होती है और सिंगल चैम्बर होती है। और यदि कभी कभी बात करें, कभी कभी ये पेरिगाइनस के फॉर्म में होती है और ये पंचामयी, पंचामयी मतलब पांच छोटे छोटे भाग को कंप्लीट करती हैं। ऐसे कुछ भी फ्लावर्स हैं, मतलब पिपलियोनेसी के ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसमें अलग अलग पाँच टाइप, मतलब पाँच अलग अलग हमारे पंखुड़ियाँ दिखेंगी, मतलब स्पेशल कैलेक्स की बात कर रहा है कि कैलेक्स दिखाई देंगे। ठीक, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, पेरीगाइनस के फॉर्म में जानते हैं। बट कभी कभी होता है, हर समय ये स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते, आप हर समय लिखना होगा, तो स्पेशल्स कह सकते हैं कि जो फ्लावर होगा वो कैलेक्स और कोरोला के साथ कंप्लीट करता होगा। और ये सिंपल फ्लावर्स होते हैं, ठीक, इनमें जो गाइनोसियम्स होते हैं वो सिंगल्स होते हैं और वो बीच में प्रेजेंट होते हैं सुपेरियर के फॉर्म में। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। आगे जब बात करते हैं फ्लावर की, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलिक्स की भी, कैलिक्स मतलब बायदल पुंज की। तो सेपल्स की बात करते हैं, तो सेपल्स के नंबर की बात करेंगे, तो सेपल्स कैसा होगा स्टूडेंट, सेपल्स स्पेशली देखो बात करें, ठीक, क्या स्पेशली सेपल्स की बात करें, तो यहाँ पे जो सेपल्स है वो फाइव के नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे आप फ्लो डायग्राम देख रहे हो, तो फ्लो डायग्राम में मैंने बनाया भी है। ठीक, देखो फ्लो डायग्राम में फाइव की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 फाइव यहाँ पे क्या होंगे, स्पेशल कैलिक्स पाए जाएंगे। और कैलिक्स ऐसे होते हैं स्पेशल गैमो और सेप्लस के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, गैमो सेप्लस, मतलब आपस में कंप्लीट करके लगे होंगे, जैसा ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर रहा है ये। यदि हम आपस में जोड़े नहीं होते तो ये कहलाता है स्पेशल, इनको हम सिंगल या फिर पेटलस कह सकते थे, लेकिन गैमो पेटलस मतलब होता है कि आपस में वो चिपके होंगे हम। ठीक, तो चिपके की बात कर रहा है और ज़्यादा दिख ही रहा है। और आगे बात करें स्टूडेंट कि इनका स्पेशल जो सेपल्स होते हैं वो न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट के फॉर्म में होते हैं, मतलब धीरे 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 क्या करते हैं, जो ज़्यादा एटमॉस्फेयर के एरियाज में होता है वो धीरे धीरे ओल्ड फॉर्म में होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इंटीरियर साइड्स पे ज़्यादा डेवलपिंग क्रिएट करते हैं। बट कभी कभी इनमें स्पेशल करें ऑड क्या होता है, ऑड यानी ऑड सेपल्स भी पाया जाता है इंटीरियर फॉर्म में। मतलब आप देखेंगे कि जो पॉलीपेटला ये पिपलियोनेसी फैमिली है, तो पिपलियोनेसी फैमिली में जो हमारे सेपल्स होते हैं, कैसे होते हैं, सेपल्स होते हैं वो स्पेशल ऑड नंबर में कंप्लीट करेंगे, मतलब विषम संख्या कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं। ओके, ये तो क्लियर हुआ। आगे बात कर ले थी यहाँ पे कोरोला की, तो कोरोला में हम देखेंगे कि यहाँ भी कोरोला क्या है, पांच के फॉर्म में है, फाइव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट अलग अलग होता है। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं कि ये देखो 1 2 3 है, तीन तो दिखाई दे रहा है, तीन तो अलग अलग है, बट टू यहाँ पे आपस में कह लो कि गेमो के फॉर्म में है, गेमो मतलब संयुक्त के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम गेमो, इनको गेमो क्या से पेटल्स भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, गेमो पेटल्स भी कह सकते हो, बट कितना यहाँ पे टू के फॉर्म में, थ्री हमारा सिंगल्स हैं और दो हमारे संयुक्त के फॉर्म में है, मतलब गैमो के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये बात करें स्टूडेंट, तो स्पेशल जो हमारे इसके आउटर सेक्शंस हैं, मतलब आउटर सेक्शन जो हमारे होते हैं किसके, कोरोला के होते हैं, वहाँ पे स्पेशली स्टैंडर्ड पाया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे बता रहा है स्टैंडर्ड वैक्सिलियम की बात कर रहा है। तो ये स्पेशल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे जो हमारे पेटल्स हैं, पेटल्स के पास प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे। ठीक, और यदि बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये होती है कि जो ये इनका पेटल्स है
वो स्पेशल बटर शेप्ड होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं, मतलब आप काजू की बीज देखे होंगे तो उसके भी जैसे कह सकते हो, या बटर हमारा जो बटरफ्लाई है स्पेशल उसकी भी बात कर सकते हो, तितली के जैसी कंप्लीट करता है। और बट इसके किनारे किनारे दो विंग्स पाए जाते हैं, जैसे विंग्स का फिगर यहाँ पे दिख रहा है। ये फिगर विंग्स स्पेशली ये कोरोला के पार्ट्स ही हैं, और कोरोला के पार्ट्स के साथ साथ दो और स्पेशल्स हमारे कोरोला में ही लगे होते हैं। क्या? दो किल लगे होते हैं जिसका यहाँ पे बात कर रहा है। मतलब विंग्स और किल दोनों प्रेजेंट होंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड वैक्सिलम के साथ प्रेजेंट होंगे, जो कोरोला को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये देखो हो गया। अब ये तो ज़्यादा नेसेसरी ऑर्गन नहीं है, ये कह सकते नेसेसरी ऑर्गन डेवलपिंग कर क्रिएट करता है किसके लिए? किसी भी फ्लावर के लिए। वन टू मतलब नंबर टू, नंबर सिक्स और नंबर सेवन जो हैं स्पेशली ये केरला को मिलके ही कंप्लीट करते हैं तीनों को। ठीक, आगे भी बात करते हैं स्टूडेंट इनके एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम के नंबर कैसे होते हैं? एंड्रोसियम के नंबर यहाँ पर 10 होता है, जो 9+1 के फॉर्म में होते हैं। 9+1 के फॉर्म मतलब ये कह लें कि 9 जो होता है उनका वो गैमो के फॉर्म में होता है, और 1 जो होता है वो सिंगल फॉर्म में होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो ये वाला जो है वो सिंगल के फॉर्म में है और बाकी आपस में लगे हुए हैं, तो इनको 9+1 का रेशियो कहा जाता है। ठीक, इनके साथ साथ क्या कंप्लीट करता है? इनके साथ दो लोग अलग अलग के फॉर्म में है, मतलब ये कह लें कि 9 यहाँ पे गैमो के फॉर्म में होगा और ये यहाँ पे सिंगल के फॉर्म में कंप्लीट करता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कह लें कि जो हमारा गाइनोसियम है, गाइनोसियम के चारों किनारे सराउंडिंग में घूमता हुआ नजर आता है, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक, और ज़्यादा कुछ है नहीं, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, और कभी कभी स्टूडेंट कभी पूछता है कि जो इनका एंड्रोसियम है, जो स्टेमेंस हैं, स्टेमेंस आपको दिख रहे होंगे यहीं पर, देखो मैंने बनाया है यहाँ पे, इनको हम 9 के फॉर्म में कह सकते हैं और ये हमारा सिंगल है, यही ये फिगर कंप्लीट करता है किसी फ्लोरा डायग्राम को हम कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं तो। ठीक, और इनके यदि बात करते हैं तो ये स्पेशल्स बाहर की ओर जब निकलते हैं, ठीक, क्या करते हैं जब बाहर की ओर हमको दिखाई देते हैं तो ये क्या करते हैं? टू फॉर्म में, मतलब इनके यदि हम स्टेमेंस को कटर करें और इनके हम यदि पॉलन सेक की बात करें तो वो टू चेम्बर कंप्लीट करते हैं, इसको डाइथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं। आगे बात कर ले स्टूडेंट गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम कैसा होगा? मोनोकार्पलरी है, मोनोकार्पलरी, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, इनका जो ओवरी होता है वो कैसा होता है? सुपीरियर होता है। कैसा होता है? सुपीरियर होता है, और स्पेशल सुपीरियर के साथ साथ ये जो हमारे थैलमस होते हैं, ये थैलमस पॉइंट से लगे होते हैं। ठीक, और तो स्पेशल है नहीं। और कभी कभी क्या देखा जाता है कि इनके गाइनोसियम जो है वो हल्के हल्के छोटे छोटे रूम मतलब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेशल्स और लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं, जो भी किसी भी कीट को क्या करता है, किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर अटैक्ट करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक, ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक, अब बात कर ले स्टूडेंट इसके फ्रूट के बारे में, इसका फ्रूट कैसा होगा, फली की बात करते हैं। तो इनकी जो फली होती है वो लेग्यूम या पोड होती है, या पोड या फिर लेग्यूम कह सकते हो आप। और ये दो कपार्ट यानी दो जो इनके पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में खुलते होंगे। आपने मटर देखा होगा, मटर का एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं। ये क्या है? इनका सीड्स है, इनको ओवरी भी कहा जाता है। ठीक, और यदि बात करते हैं आगे इनके सीड्स की, तो इनकी सीड्स जो होती है वो प्रोटीन्स की मतलब प्रोटीन्स की हायर केमिकल अरेंज में होती है। और इनमें ये जो सीड्स होगा वो कैसा होगा? डाइकॉट्स होगा। ठीक, इसलिए तो हम डाइकॉट फैमिली को कंप्लीट करते हैं। और इनमें स्पेशल जो इंडोकार्प होगा, ठीक, या इंडोफेरिकार्प होगा, वो काफ़ी अच्छा पाया जाता है। और इनके साथ साथ ये काफ़ी लंबे समय तक कंप्लीट कर सकते हैं, और एम्ब्रियो बहुत ही डेवलप होता है इनके सीड्स में। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट इनके कैसे ये कंप्लीट करते हैं, मतलब इनकी क्या कर रहे हैं। आगे बात कर ले स्टूडेंट इनके स्पेशल कैसे इनका परागण होता है, यानी कह लें डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात कर लें कि पॉपुलेशन में कैसे ये वर्क करते हैं। पॉपुलेशन में स्पेशल इनके जो वर्किंग साइट्स हैं वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। सबसे बड़ी बात है कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा जो बी होती हैं, बी मतलब मधुमक्खियाँ होती हैं या एपिस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा उसके पोलन ग्रेन को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुँचाने का वर्क करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था।
कि ये स्पेशली कैसे हैं, बाइसेक्जुअल होते हैं, बाइसेक्जुअल मतलब समझ रहे हो आप, इनके फ्लावर बाइसेक्जुअल होने के साथ साथ कंप्लीट यही दिखाते हैं, मतलब ऑफ मेल और फीमेल एक ही फ्लावर्स को कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं। ठीक, अब बात करें आगे फ्लावर फार्मूला का, तो फ्लावर डायग्राम आपको दिख ही रहा है स्टूडेंट, कुछ करना है नहीं, मैंने कई बार बताया पिछले कई क्लासों में, तो फ्लावर डायग्राम दिख रहा है तो फ्लावर फार्मूला हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं फ्लावर फार्मूला की, तो यहाँ पे हम कर देख स्टूडेंट करता हूँ इसको क्लीन यहाँ से, क्योंकि हमको लिखना है फ्लावर फार्मूला। ठीक, यहाँ पे ये तो भाई साहब साफ हो गए, चलो लिखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कैसा है, हमने बात किया था पहले ही, ये इम्ब्रैंकिएट है, दिखा देते हैं, कुछ करना नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये कैसा है, ये मेल और फीमेल दोनों को क्रिएट करता है, हमने पहले बताया, चलो ठीक है हो गया। आगे बात करते हैं इनके कैलिक्स की बात कर लें। ठीक, इनके कैलिक्स कितना है लिख लेते हैं यहाँ पे, कैलिक्स इनका 5 है, चलो भाई 5 है, बट है कैसे, आपस में गैमो के फॉर्म में है, चल लगा दिए इसको। आगे बात कर रहा है इनके कोरोला की बात कर रहे हैं, चलो लिख देते हैं कोरोला को भी, सी से कहीं इंडिकेट करते हैं। अब सी कैसा है, हमने बताया था 3 है इस फॉर्म में, अलग अलग दो आपस में कनेक्ट हैं, तुम दो ऐसे लिख लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इंड्रोसियम की, तो इंड्रोसियम कैसा है, देखो इंड्रोसियम की बात कर लें, इंड्रोसियम कितना था, 9+1 था, बट 9 कैसा था, आपस में लगा हुआ था, चलो ऐसे कर लेते हैं, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, और चलो ठीक आगे कर लेते हैं। अब बात करते हैं गाइनोसियम की, गाइनोसियम सिंगल था, ऐसे लिख सकते हो। देखो सिंगल लिखते समय आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंगल आप वैसे सिंपल भी लिख सकते हो, बट सिंबल लिखते समय आप एक चीज़ लगातार ध्यान रखेंगे कि इनका सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करता है, तो यदि आप क्लोज है तो आप उनको ब्रैकेट बनाओ, या क्लोज नहीं है तो ब्रैकेट ना बनाओ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह लें कि इनको आप ऐसे लिख कर इनको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हम इनके सिंपल फॉर्म में करें तो थोड़ा सा एक बार और देखें आप, देखो फिगर एक बार आप कंप्लीट कर लो, फिगर भी बनाने आपने आ गया तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलो बात करते हैं सबसे पहले इनके पॉइंट्स की। ठीक, और इनके कस कौन सा है, ये मेल और फीमेल दोनों को क्रिएट करते हैं। ठीक, उनके साथ साथ कैसा था, कैलिक्स की नंबर की बात कर लेते हैं, कैलिक्स कितना था स्टूडेंट, 5 था, जो आपस में लगे हुए थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, आपस में ये लगे नहीं होंगे, इसको हम यहाँ से क्लीन कर देंगे, ये गैमो के फॉर्म में नहीं होंगे तो ये ब्रैकेट नहीं होगा। आगे बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला कितना है, 9+8, और यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे, 1, 2, 3 यहाँ पे है, तो पहले हम 3 को कम्प्लीट करते हैं सिंगल, उसके बाद 2 कैसा है, ऐसे कम्प्लीट करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं इंड्रोसियम की, तो इंड्रोसियम कैसा है, इंड्रोसियम स्पेशली 9+1 है, तो 9 जो है वो आपस में लगे हुए हैं और 1 सिंगल फॉर्म में है। वहीं बात कर लेते हैं गाइनोसियम की, गाइनोसियम कितना है, 1 है, बट कैसा है, सुपीरियर है इसलिए ऊपर, इन्फीरियर रहेगा तो नीचे की ओर। ये हो गया हमारा स्पेशल फ्लोर फार्मूला। ठीक, अब देखो जो फ्लोर फार्मूला हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे बात करते हैं स्पेशली इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, क्योंकि पेपर में आता रहता है, 2 नंबर में हमारा 10 नंबर का स्पेशल फैमिली आएगा, उसमें फिगर बनाना कंप्लीट होगा, इतना फिगर तो आप बनाएंगे, फ्लोर डायग्राम कंप्लीट करेंगे, फ्लोर फार्मूला कंप्लीट करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को मैंने पहले बताया, इंट्रोडक्शंस को बताया, और बाकी इसके जो फीचर्स बताया अलग अलग पॉइंट्स में, और लास्ट में 2 नंबर से स्टूडेंट कंप्लीट करता है हमारा स्पेशली क्या चीज़, और जो हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में। आगे बात कर लें स्टूडेंट इनके स्पेशल कैसे इनका परागण होता है, यानी कह लें डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात कर लें, इनके जो वर्किंग साइट्स हैं वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। सबसे बड़ी बात है कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा जो बी होती हैं, बी मतलब मधुमक्खियां होती हैं या एपिस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा उसके पोलन ग्रेन को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुँचाने का वर्क करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये स्पेशली कैसे हैं, बाइसेक्जुअल होते हैं, बाइसेक्जुअल मतलब समझ रहे हो आप, इनके फ्लावर बाइसेक्जुअल होने के साथ साथ कंप्लीट यही दिखाते हैं, मतलब ऑफ मेल और फीमेल
एक ही फ्लावर्स को कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं। ठीक, अब बात करें आगे फ्लावर फार्मूला का, तो फ्लावर डायग्राम आपको दिख ही रहा है स्टूडेंट, कुछ करना है नहीं, मैंने कई बार बताया पिछले कई क्लासों में, तो फ्लावर डायग्राम दिख रहा है तो फ्लावर फार्मूला हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं फ्लावर फार्मूला की, तो यहाँ पे हम कर देखो स्टूडेंट, करता हूँ इसको क्लीन यहाँ से, क्योंकि हमको लिखना है फ्लावर फार्मूला। ठीक, यहाँ पे ये तो भाई साहब साफ हो गए, चलो लिखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कैसा है, हमने बात किया था पहले ही, ये इम्ब्रैंकिएट है, दिखा देते हैं, कुछ करना नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये कैसा है, ये मेल और फीमेल दोनों को क्रिएट करता है, हमने पहले बताया, चलो ठीक है, हो गया। आगे बात करते हैं इनके कैलिक्स की बात कर लें। ठीक, इनके कैलिक्स कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, कैलिक्स इनका 5 है, चलो भाई 5 है, बट है कैसे, आपस में गैमो के फॉर्म में है, चल लगा दिए इसको। आगे बात कर रहा है इनके कोरोला की बात कर रहे हैं, चलो लिख देते हैं कोरोला को भी, सी से कहीं इंडिकेट करते हैं। अब सी कैसा है, हमने बताया था 3 है इस फॉर्म में, अलग अलग दो आपस में कनेक्ट हैं, तुम दो ऐसे लिख लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं इंड्रोसियम की, तो इंड्रोसियम कैसा है, देखो इंड्रोसियम की बात कर लें, इंड्रोसियम कितना था, 9+1 था, बट 9 कैसा था, आपस में लगा हुआ था, चलो ऐसे कर लेते हैं, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, और चलो ठीक आगे कर लेते हैं। अब बात करते हैं गाइनोसियम की, गाइनोसियम सिंगल था, ऐसे लिख सकते हो। देखो सिंगल लिखते समय आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंगल आप वैसे सिंपल भी लिख सकते हो, बट सिंबल लिखते समय आप एक चीज़ लगातार ध्यान रखेंगे कि इनका सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करता है, तो यदि आप क्लोज है तो आप उनको ब्रैकेट बनाओ, या क्लोज नहीं है तो ब्रैकेट ना बनाओ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह लें कि इनको आप ऐसे लिख कर इनको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हम इनके सिंपल फॉर्म में करें तो थोड़ा सा एक बार और देखें आप, देखो फिगर एक बार आप कंप्लीट कर लो, फिगर भी बनाने आपने आ गया तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलो बात करते हैं सबसे पहले इनके पॉइंट्स की, ठीक, और इनके कस कौन सा है, ये मेल और फीमेल दोनों को क्रिएट करते हैं। ठीक, उनके साथ साथ कैसा था, कैलिक्स की नंबर की बात कर लेते हैं, कैलिक्स कितना था स्टूडेंट, 5 था, जो आपस में लगे हुए थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, आपस में ये लगे नहीं होंगे, इसको हम यहाँ से क्लीन कर देंगे, ये गैमो के फॉर्म में नहीं होंगे तो ये ब्रैकेट नहीं होगा। आगे बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला कितना है, 9, 8, और यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे, 1, 2, 3 यहाँ पे है, तो पहले 3 को कम्प्लीट करते हैं सिंगल, उसके बाद 2 कैसा है, ऐसे कम्प्लीट करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं इंड्रोसियम की, तो इंड्रोसियम कैसा है, इंड्रोसियम स्पेशली 9+1 है, तो 9 जो है वो आपस में लगे हुए हैं और 1 सिंगल फॉर्म में है। वहीं बात कर लेते हैं गाइनोसियम की, गाइनोसियम कितना है, 1 है, बट कैसा है, सुपीरियर है इसलिए ऊपर, इन्फीरियर रहेगा तो नीचे की ओर। ये हो गया हमारा स्पेशल फ्लोर फार्मूला। ठीक, अब देखो जो फ्लोर फार्मूला हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे बात करते हैं स्पेशली इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, क्योंकि पेपर में आता रहता है, 2 नंबर में हमारा 10 नंबर का स्पेशल फैमिली आएगा, उसमें फिगर बनाना कंप्लीट होगा, इतना फिगर तो आप बनाएंगे, फ्लोर डायग्राम कंप्लीट करेंगे, फ्लोर फार्मूला कंप्लीट करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को मैंने पहले बताया, इंट्रोडक्शंस को बताया, और बाकी इसके जो फीचर्स बताया अलग अलग पॉइंट्स में, और लास्ट में 2 नंबर से स्टूडेंट कंप्लीट करता है हमारा स्पेशली क्या चीज़, और जो हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में। तो चलते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंट के पास और देख लेते हैं सबसे अच्छा इकोनॉमिक इंपोर्टेंट क्या क्या कवर करता है। देखो जब इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो जो हमारा पिपलियोनेसी फैमिली है वो काफ़ी डेवलप फैमिली के रूप में आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंट्स में। पहली बात करेंगे इससे ढेर सारे जो कह लो कि ग्रेमिनी है, क्या है, ग्रेमिनी है, ग्रेमिनी फैमिली ही इंपोर्टेंट्स हैं बात कर लें तो, उसके नीचे जो हमारा सब फैमिली है पिपलियोनेसी, ये तो और इंपोर्टेंट्स की नंबर पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा देखो इसका यूज की बात करें, जिसके यूज है जो फूड मटेरियल, चारा, रेशम, उसके साथ साथ इनपेशल स्पेशल आयल, तेल, इमारती लकड़ियाँ, रंजक, गोंद आदि जैसे, उसके साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे कई एरियाज में इसको कवर किया जाता है। तो पहले बात करें हम दाल की, तो दालें क्या हैं, ठीक, दाल की बात करेंगे तो इसकी फैमिली के अनेक जो स्पीसीज हैं
वो दाल को कवर करती हैं, दाल बनाती हैं, और इसमें प्रोटीन और स्टार्च काफ़ी डेवलप स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट आते हैं। ठीक, जब डेवलप स्ट्रक्चर्स आते हैं स्टूडेंट, मतलब डेवलप दिखाते हैं प्रोटीन और स्टार्च को, तो ये रहे कुछ नाम। आप इस नाम को देखिए, ये इतने नाम मैं दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, दाल वाले ही स्पेशल नाम हैं, सबको आप कवर कर सकते हैं सॉल्यूशन करके। ठीक, आगे बात करें मेडिसिनल की, तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स आते हैं इस फैमिली में जो मेडिसिन के फॉर्म में आते हैं। मेडिसिन मतलब जो औषधियाँ देते हैं, दवाओं को फॉर्म करते हैं। दवाओं के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, बोलने में आप लिखने में गलती करेंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक और स्लाइड दे रहा हूँ। इस स्लाइड की सहायता से आप फिर कवर कर सकते हैं अपने मेडिसिनल प्लांट्स को। ठीक, मेडिसिनल प्लांट्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लिखेंगे अर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में, कि अर्नामेंटल प्लांट्स स्पेशली कौन कौन हैं और क्या दिखाते हैं। अर्नामेंटल मतलब सजावट के रूप में कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ स्पेशली फ्लावर्स की बात करें, कुछ स्टेम्स हैं, मतलब स्टेम्स और फ्लावर्स दोनों की हेल्प लेकर हम अर्नामेंटल के अर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हम यूज करते हैं किसको, पेपिलियोनेसी फैमिली को। तो ये रहे अर्नामेंटल फ्लावर्स के स्पेशली जो प्लांट्स हैं उनके नाम। ठीक, आप उनमें देख सकते हो। ठीक, आगे बात करें दी कुछ बेसिक इमारती लकड़ियों के बारे में, कि कैसे कौन कौन से लकड़ियां यानी देने वाले हमारे फैमिली हैं। तो लकड़ियां देने वाले फैमिली में कुछ और नाम दिखा रहा हूँ। ठीक, आप इसको भी देख सकते हैं, दो नाम दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ से देखने के बाद और हम भी बात करें, रेशम की बात करें, जो रेशा की बात कर रहा था, और आयल की बात कर लो, सबसे अच्छा आयल है, तो आयल की भी फैमिली मैं दिखा दे रहा हूँ। एक दो आयल फैमिली आप देख सकते हो जो इस वाले को कंप्लीट करता है। ठीक, तो ये रहे कुछ स्पेशल्स, कुछ अदर फैमिली भी हम नीचे शो कर दे रहे हैं, आप उसको सॉल्यूशन करके कंप्लीट कर लीजिएगा, इसे क्लास को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट, यदि आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ से भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कवर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होता है इसमें स्पेशल्स लिखने के लिए, तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड उसके स्पेशल फ्लो डायग्राम और फ्लो फार्मूला। ये तीन चीज़ों आप गलती नहीं करते तो आपके पॉइंट्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में एक दो कम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट इसके फिगर और इनके क्लासिफिकेशंस और इनके फ्लो डायग्राम और फ्लो फार्मूला, ये तीन चीज़ आप कभी गलती ना करें, क्योंकि ज़्यादातर टीचर के पॉइंट्स उसी जगह नंबर्स में कटते हैं। ठीक, अब देखो ये तो हमारा फैमिली कंप्लीट हुआ, आगे बात करते हैं दूसरी फैमिली की बात करेंगे। जो दूसरी फैमिली है उसको, मतलब सब फैमिली है लेग्यूम की, उसको लेके मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।